एक सवाल ये है कि जो सिर्फ दो लोग नमाज पढ़ते हैं तो उसका क्या तरीका है? दो लोग जमात बना करके अगर नमाज पढ़ रहे हैं तो दोनों बराबर खड़े होंगे, बिल्कुल बराबर। एक आदमी दाएं, एक आदमी बाएं। जो बाएं तरफ होगा वो इमाम होगा, जो जी बाएं तरफ होगा वो इमाम होगा, जो दाएं तरफ होगा वो मामूम होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा उसके रावी हैं, कि वो कहते हैं कि बितो इन दखालती मैमूना, इस तरह हदीस के अल्फाज हैं, कह रहे मैं अपनी खाला मैमूना के पास एक रात को मैं वहां मैंने रात गुजारा, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में उठ करके आप नफिल नमाज पढ़ रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जी गए, ये बच्चे थे, ये गए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाएं जानिब खड़े हो गए, बाएं जानिब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाएं जानिब खड़े हो गए, तो अल्लाह जी के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका सर पकड़ करके उनको घुमा करके अपने दाएं जानिब कर दिया, यानी आप खुद बाएं जानिब हो गए। तो इस जी हदीस से, इसके अलावा भी इस सिलसिले में और हदीसें हैं, तो इस हदीस से साफ वाजे है कि अगर दो आदमी जमात बना करके नमाज पढ़ रहे हैं तो इमाम बाएं तरफ खड़ा होगा और जो मुक्तदी होगा वो दाएं तरफ, और दोनों बिल्कुल बराबर खड़े होंगे, आगे पीछे नहीं खड़े होंगे। पैर भी चिपका कर रुकेंगे जी सामने। बिल्कुल हाँ जी। और कभी दूसरा कोई आ गया तो जमात में। अगर कोई दूसरा आ गया तो उसकी दो शक्लें हैं, अगर कोई एक आदमी आया तो उसकी दो शक्लें, एक शक्ल तो ये है कि वो इमाम के दूसरी जानिब खड़ा हो जाए, दूसरी जी शक्ल ये है कि वो जो मामूम है उसको या तो खींच करके पीछे कर ले या तो इमाम को थोड़ा सा इशारा करके आगे कर दे, तो दो आदमी पीछे हो जाएंगे और जो इमाम होगा आगे हो जाएगा।